सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग क्या होती है, इसकी बेसिक डेफिनेशन है किसी भी एक स्पेसिफिक सेल के द्वारा सराउंडिंग सेल्स को कोई भी बाई केमिकल फंक्शन कंप्लीट करवाने के लिए दिया गया सिग्नल सेल सिग्नल कहलाता है। तो दो टाइप के सेल सिग्नल दिए जा सकते हैं, एक आउट ऑफ द सेल अदर सेल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल टाइप, दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर यानी कि इन द सेल। ठीक है, तो सेल सिग्नल को कंप्लीट करवाने के लिए चार स्टेप्स से सेल्स को गुजरना पड़ता है। सबसे पहले सेल्स को सिंथेसाइज करना पड़ेगा, कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई केमिकल्स उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा टारगेट सेल्स तक। थर्ड होता है लिगेंड क्रिएशन यानी कि टारगेट सेल्स के द्वारा आपके मॉलिक्यूल को रिसीव किया जाएगा और एक लिगेंड क्रिएट किया जाता है। और फोर्थ स्टेप में वहाँ पे सिग्नल इनिशिएट हो जाता है किसी भी फंक्शन को दिया गया जो सिग्नल था उसे कंप्लीट करवाने के लिए। तो यहाँ पे एक परफॉर्मर दिया हुआ है, ये आपकी टारगेट सेल्स है। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव सेल्स है, मेन सेल्स जिसके द्वारा कोई मॉलिक्यूल क्रिएट किया गया, पहला स्टेप। दूसरा, यहाँ पे से ट्रांसपोर्ट किया गया टारगेट सेल तक। टारगेट सेल्स के रिसीवर के द्वारा इसे रिसेप्ट करने के बाद में लिगेंड बनाया, ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप है जिसमें आपको सेल के द्वारा कोई भी वर्क है वो इनिशिएट कर दिया जाता है। तो चार टाइप आप देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, जो कि एंडोक्राइन जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो इसी सिग्नल के द्वारा होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोनों सेल्स यानी टारगेट और ऑब्जेक्टिव सेल्स के बीच में जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड स्ट्रीम्स का यूज किया जाता है। तो ब्लड स्ट्रीम्स के द्वारा जैसे यहाँ पे इसे रिसीव किया जाएगा और फोर्थ स्टेप के द्वारा टारगेट के द्वारा सेल के लिए कोई भी जो फंक्शन है वो कंप्लीट कर दिया जाता है। तो इसमें स्पेसिफिक थिंग है उनकी दूरी, यानी कि दूरी बहुत ज़्यादा है। सेकंड वन हो जाता है वो पैराक्राइन सिग्नलिंग है, जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर सिग्नलिंग यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में देखने को मिलती है सिनेप्स में। तो सिनेप्स में एक्सॉन डेंड्रॉन के बीच में जो एसिटाइल कोलिन जो आपका न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो इम्पल्स को आगे बढ़ाता है। तो उनके बीच में जो स्पेस होना चाहिए वो बहुत नैनोमीटर का होता है, काफ़ी कम होता है। तो एंडोक्राइन और पैराक्राइन में बेसिक सा डिफरेंस उनकी दूरियों के का ही है, इसमें कम स्पेस है जबकि एंडोक्राइन में स्पेस ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम का यूज किया जा रहा था। थर्ड वन है आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जो कि इम्यून सेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स का जो प्रोलिफरेशन होता है यानी कि उनकी जो काउंटिंग में एकदम से ग्रोथ होती है वो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के द्वारा की जाती है। तो इसमें टी लिम्फोसाइट्स सेल हैं जो कि टी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम क्रिएट करती हैं, वहाँ पे किसी आउटर एंटीजन के शरीर में आने पे इनके द्वारा ग्रोथ फैक्टर क्रिएट किया जाता है। ग्रोथ फैक्टर जो अपनी ही सेल्स को और ज़्यादा टी लिम्फोसाइट क्रिएट करने के लिए इसे प्रोवोक करता है। तो इस टाइप का जो सिग्नल हुआ है वो एक ही सेल्स के द्वारा दिया गया है, वो ही ऑब्जेक्टिव है, वही टारगेट है, तो इसे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। मोस्टली इट विल बी हैपनिंग इन इम्यून सेल्स। फोर्थ होता है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, जो कि नॉस सिग्नलिंग और क्लासिकल जो कैडेरियन सिग्नलिंग में देखने को मिलता है। इसमें दो सेल्स यानी कि ऑब्जेक्टिव और जो आपकी टारगेट सेल्स हैं उनका फिजिकल कॉन्टेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कनेक्शन होते हैं जिसे कनेक्शंस बोलते हैं, कनेक्शंस। तो ये नॉन डिफ्यूजिंग भी है, बाकी के तीनों हमने देखे उसमें डिफ्यूजन हो रहा था, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था। तो बेसिक से डिफ्यूजन भी था, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कनेक्शंस बने हुए हैं उन्हीं के द्वारा सीधे ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसमें फिजिकल कॉन्टेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बेसिक से डायग्राम से देखते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें देखने की ज़रूरत है नहीं, अब देखते हैं दूसरा पैराक्राइन सिस्टम। इसमें आप देख सकते हो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है जिसमें आपके एसिटाइल कोलिन मिलेगा और यहाँ से अगर कोई इम्पल्स आता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स उसे एसिटाइल कोलिन हार्मोन के द्वारा पोस्ट सिनेप्टिक डेंसिटी पे यहाँ पर रिसिप्ट किया जाता है और सेल सिग्नलिंग शुरू की जाती है। आपका जक्स्टाक्राइन, इसमें देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कनेक्शंस बने हुए हैं और इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे इस कनेक्शंस के द्वारा ही ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जक्स्टाक्राइन आपके सेल सिग्नलिंग है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में बात कर लेंगे। तो इट इज़ द ऑल अबाउट ए बेसिक ब्रीफ वे ऑफ सेल सिग्नलिंग
एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मूड हैव फोर टाइप्स दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड अर्लियर. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट ऑन ब्लो. थैंक्स.